अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें तो कोई मैथमेटिकल फॉर्म्स भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम लोगों ने फॉर्मूलास सारे पढ़े हुए, डेरिवेशन सारी पढ़ी हुए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, तो बस हम लोगों ने यहाँ पर लॉजिक्स देखनी है। बहुत सिंपल है। पहली एग्जाम्पल है मैन डाइविंग फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड। ठीक है, डाइविंग बोर्ड से एक मैन जो है वो गोता लगा रहा है, ठीक है, डाइव कर रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हमसे क्या कह रहे हैं। अ डाइवर जंपिंग फ्रॉम स्प्रिंग बोर्ड। ठीक है, स्प्रिंग बोर्ड है, ठीक है, जिससे डाइवर जो है जंप कर रहा है। ठीक है, हैज़ टू टेक अ, आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में या वैसे भी कहीं आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये जो है जंप कर रहा है। ठीक है, स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी कभी कभार कुछ जो अच्छे बने हुए होते हैं उनमें लगा हुआ होता है। ठीक है, कुछ में तो सीढ़ियों से भी जाना होता है और कुछ में ये बना हुआ होता है। ठीक है, इससे भी लोग डाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, वैसे हाइट से भी इस तरह से डाइव किया जाता है, गोते लगाए जाते हैं पानी में। ठीक है, एक डाइवर जो है वो जंप करे एक स्प्रिंग बोर्ड से। ठीक है, उसको हैज़ टू टेक अ फ्यू समर सॉल्ट्स इन एयर बिफोर टचिंग द वाटर सरफेस। आफ्टर लिविंग द स्प्रिंग बोर्ड ही कर्ल्स हिज बॉडी बाय रोलिंग आर्म्स एंड लेग्स इन। ठीक है, तो हमसे ये कह रहे हैं कि गोता लगाने से पहले, ठीक है, पानी की सरफेस को टच करने से पहले उसको जो है ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, जैसे ही वो स्प्रिंग बोर्ड को लीव करता है, जैसे ही वो यहाँ से जंप मारता है, ठीक है, हवा में उसको क्या करना पड़ता है, पानी की सरफेस को टच करने से पहले हवा में उसको क्या करना पड़ता है, उसको कुछ काम करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, उसको अपनी बॉडी को कर्ल करना होता है, जिस तरह से उसने अपनी बॉडी को इस तरह से कर्ल किया। ठीक है, गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, उसको अपनी बॉडी को कर्ल करना होता है। किस तरह कर्ल करता है, वो अपनी बॉडी को अपने हाथों को और अपने पैरों को रोल कर लेता है। ठीक है, देखो इसने रोल कर लिया अपने हाथ पांव, ठीक है, और इसकी बॉडी जो है इस तरह से रोटेट होते हुए फिर नीचे जा रही है और फिर ये स्ट्रेट कर रहा है और सीधा नीचे जा रहा है। ठीक है, आगे देखो, ड्यू टू हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस एज ही स्पिन्स इन मिड एयर विद लार्ज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, कह रहे हैं क्या होता है, बेसिकली जब वो हवा में है, जब वो बीच हवा में है, ठीक है, जब वो बीच हवा में है तो क्या हो रहा है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब वो बीच हवा में है, ठीक है, जैसे ही वो स्पिन हुआ, ठीक है, एंड ही स्पिन्स इन मिड एयर, जब वो बीच हवा में स्पिन हुआ, जब उसने अपनी बॉडी को इस तरह से रोटेट किया अपने लेग्स और हैंड्स को फोल्ड करके, ठीक है, तो क्या हुआ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ विद लार्ज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लार्ज एंगुलर वेलोसिटी से उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी बड़ी। एंगुलर वेलोसिटी क्यों बड़ी, क्योंकि क्या हुआ ना, उसने क्या किया, उसने अपने हाथ पांव फोल्ड किया, तो देखो इस तरह से क्या हो रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, इस तरह से घूम कर फिर नीचे जा रहे हैं ना, तो वो एक सर्कुलर रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, तो ये देखो, ये मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। ठीक है, अगर आप वन टू को स्किप करो, अगर आप जस्ट इसको आई ओमेगा लो, ठीक है, तो हमें भाई ये पता चल रहा है कि आई ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आंसर बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम इधर कंपेयर नहीं कर रहे हैं दोनों को, हमारे पास आंसर बना रहा है। ठीक है, आई क्या है मेरे पास, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अभी देखना, अभी ओमेगा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है आई से, उधर जाकर क्या हो जाएगा, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक कुछ इस तरह जाएगा, I इज इक्वल्स टू वन अपॉन ओमेगा। ठीक है, अब देखना, अगर मैं इसकी प्रोपोर्शनैलिटी निकालूं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब जब हम लोग, अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर I न्यूमिनेटर में है तो ओमेगा कहाँ है, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब समझना, जब जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, हम एक इज इक्वल्स टू लगाते हैं, ठीक है, और एक क्या लगाते हैं, और एक हम कॉन्स्टेंट लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं कुछ इस तरह से करूं, भाई कांस्टेंट वगैरह मैं, क्योंकि सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूं, इसलिए कोई प्रॉपर कांस्टेंट वगैरह मैं नहीं लेकर आ रही हूं। ठीक है, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि अगर कोई कांस्टेंट होता और मैं उसे और इस इक्वल्स टू को रिमूव करती तो मैं लगाती क्या, यहाँ पर इसका साइन लगाती, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाती। ठीक है, और इधर आई है और उधर क्या है, उधर वन अपॉन ओमेगा। भी कांस्टेंट वगैरह सबको भूल जाओ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये आ गया कि आई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंगुलर वेलोसिटी के। ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो ये इस तरह से होता। ठीक है, लेकिन ये एक ऊपर है एक नीचे है। अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास कम हो जाएगा।
सही है, होप सो कि ये कॉन्सेप्ट मैं समझाने में कामयाब हो गई हूँ। बाकी आ गया हो अब यहाँ से ये आपको थोड़ी कन्फ्यूजन नहीं होगी, कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी कि भाई देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। एंगुलर वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कम हो रहा है, ठीक है। व्हेन ही इज़ अबाउट टू टच द वाटर सरफेस, जैसे वो वाटर सरफेस को टच करने वाला होगा, ही स्ट्रेचेस आउट हिज आर्म्स, ठीक है। देख लो मैंने अभी डायग्राम में भी आपको बताया, अभी तक के रोल हो रहा था, लेकिन एंड में क्या हो जाएगा, अपने आर्म्स को बिल्कुल, अपने आर्म्स और लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेच कर देगा, ठीक है, बिल्कुल खोल देगा, ठीक है, बिल्कुल खींच देगा, एक तरह से सीधा कर देगा, स्ट्रेट कर देगा, ठीक है। ही एंटर्स इनटू वाटर एट जेंटल स्पीड, इस तरह क्या होगा, इस तरह वो पानी में जेंटल स्पीड से, यानी कि आराम से पानी के अंदर वो डाइव करेगा, एकदम से जो है एकदम से नहीं पानी में घुस जाएगा, ठीक है, एंड गेट्स अ डाइव, और इस तरह से उसने गोता लगा दी और अब वो प्रॉपर स्विम कर सकता है, ठीक है। अब इस तरह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे हमसे कह रहे हैं, ठीक है, इसने एंगुलर मोमेंटम को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, ठीक है। मोमेंटम का वर्ड क्यों एंगुलर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। और मोमेंटम का वर्ड क्यों आया क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इसको वो करने की कोशिश की है, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने इसको करने की कोशिश की है, ठीक है। चलो, इसने गोता लगाने से पहले जो इसका मोमेंटम था, गोता लगाते वक्त भी इसका वही मोमेंटम हुआ, ठीक है, बिल्कुल सेफली इसने डाइव किया, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमसे कह रहे हैं द स्पिनिंग आइस स्केटर, ठीक है। अब ये जो आइस स्केटर है, ठीक है, जो स्केटिंग करते हैं, जाकर बर्फीले इलाकों में जब स्केटिंग हो रही होती है, ठीक है, तो आइस स्केटर्स क्या करते हैं, आइस स्केटर्स भी ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कभी मूवीज़ वगैरह में, कहीं पर आप लोगों ने देखा हो, वो ऐसे गोल 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 घूम रहे होते हैं, हम समझते हैं कि वो करतब दिखा रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो स्पिन जो कर रहे होते हैं, वो ऐसे गोल 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 जो घूम रहा होता है ये इंसान स्केटिंग करते हैं, वो क्या होता है, द फैमिलियर पिक्चर ऑफ स्पिनिंग आइस स्केटर, ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, गिव्स अनदर एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड आइस स्केटर कैन इंक्रीज हिज, वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, वो अपने एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे इंक्रीज करेगा, वो फोल्ड कर लेगा अपने आर्म्स को, ठीक है, और एंड ब्रिंगिंग द स्ट्रेच लेग्स क्लोजर, और जो उसके लेग्स जो फैले हुए थे, ठीक है, वो उनको क्लोज लेकर आएगा, इस तरह से पांव करीब कर लेगा, ठीक है, और अपने हैंड्स को भी फोल्ड कर लेगा, ठीक है, और क्या करेगा, और इस तरह से स्पिन होने लग जाएगा, गोल गोल घूमने लग जाएगा, ठीक है। बाय डूइंग सो इस तरह से क्या होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो हम लोगों ने पढ़ा इनवर्स रिलेशनशिप में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एज अ रिजल्ट एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है, एंगुलर स्पीड यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। व्हेन ही स्ट्रेचेस हिज हैंड्स एंड लेग्स आउटवर्ड, और जब वो अपने हैंड्स जो उसने फोल्ड किए थे उन्हें वापस से स्ट्रेच करेगा, ठीक है, उन्हें वापस से स्ट्रेट करेगा, फैलाएगा, और अपने लेग्स जो उसने करीब कर लिए तो उन्हें वापस से वो आउटवर्ड खोल देगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, तो फिर क्या होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि अब वो गोल नहीं घूम रहा, अब वो स्ट्रेट हो चुका है, ठीक है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, जब पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ हुआ, जब पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ हुआ, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, जब आप प्रोडक्ट करोगे दोनों का, जब आप फाइनली दोनों के प्रोडक्ट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट से, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट से जब आप आंसर्स निकालोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, जो आपके पास मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, वो पहले और बाद में दोनों में सेम आएगा, इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं, वो भी इतनी ही सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमसे कह रहे हैं पर्सन होल्डिंग सम वेट इन हिज हैंड्स सिटिंग ऑन अ रोटेटिंग स्टूल, ठीक है, घूमने वाले स्टूल के ऊपर इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, और इसके हाथ में जो है ये वेट्स हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमसे क्या कह रहे हैं, पर्सन इज सिटिंग ऑन अ रोटेटिंग स्टूल, ठीक है, विद हैवी वेट इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में हैवी वेट्स हैं, स्ट्रेच्ड आउट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, जिसने अपने हाथ फैलाए हुए और वेट जिसके हाथ में, इसने अपने हाथ फैलाए हुए दोनों साइड्स पर, ठीक है। ऐसे ड्रॉ हिज हैंड्स टूवर्ड्स द चेस्ट, जैसे ऐसे वो अपने हैंड्स अपने चेस्ट के करीब लाएगा, अपनी यानी कि अपने हैंड्स फोल्ड कर लेगा, तो उसकी एंगुलर स्पीड जो है एकदम से बढ़ जाएगी और वो घूमने लग जाएगा, ठीक है, देखो वो घूमने लग जाएगा, ठीक है, उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, दिस इज बिकॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। ऑन ड्रॉइंग द हैंड्स टूवर्ड्स द चेस्ट विच इंक्रीजेज द एंगुलर स्पीड, ठीक है, जब वो हैंड्स चेस्ट के करीब लगेगा वो गोल गोल घूमेगा, उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बस ये हो गई है हमारे पास, इसकी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख ली हैं, जितनी हमारे सिलेबस में समझाई थी, जितना हमें समझाने की कोशिश की थी, मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा ही समझाने की कोशिश की है, होप सो के क्लियर हो गया हो। बाकी एग्जाम्पल 5.10 इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।